बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये एक पेपर हमने शुरू किया था और इसके तीनों पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पंजाब पुलिस का ये पेपर है और ये पाकिस्तान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हुआ था। असिस्टेंट का पेपर था BPS 15 का और ये 18/10/2020 को हुआ है और ये पेपर ये निकल ही हुआ था। इसके तीनों पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 75 MCQs। अभी ये इसका लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में 25 MCQs हैं, तो इस तरह से ये फुल पेपर अपलोड हो गया इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी ने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है, बाकियों को उसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कैंडी बस है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द फेयर्स पुटिंग दैट कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स। सो इसका मानी है to do something contrary of conventional order, option A is correct answer। इसके बाद next question की तरफ जाते हैं। question number 2 को देखिए। WIPO is the abbreviation of world intellectual property organization, इसका correct answer है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चूज द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। आई एम टायर्ड इज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो इसमें आएगा, यहाँ पे इसने ये टिक किया हुआ था इस पर। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, आई हैव बीन वर्किंग, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू नो माय फादर, इज माय फादर नाउ नोन यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। व्हाट इज जोबरी, तो जोबरी का मतलब है कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये एक आइडियम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए टू बेनिफिट्स फ्रॉम अदर पीपल्स ट्रबल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। What was the religion of the majority of Arab before Islam? वो लेडुलेट्रस है कि आइडुलेट्रस है, ये इसका मजहब था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फ्रूट बास्केट कंप्राइजेज ऑफ ऑरेंज पीचेस एंड स्ट्रॉबेरीज, द रेशियो ऑफ ऑरेंज द पीचेस टू स्ट्रॉबेरीज इज 2:3:4। इफ देयर आर 8 ऑरेंज, अगर इसमें 8 ऑरेंज हो, यानी ये तो इधर 8 इसके साथ नहीं है, 4 के साथ इसको ज़रब देना है सबको, तो ये 8 बन जाएंगे। फिर 8 ऑरेंज हो, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स आइटम आर देयर इन आर बास्केट, इधर 4 दोनों 8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, इन सबको आपस में प्लस करना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 36 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग आ, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रेन गेज, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। विच वॉज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकग्नाइज्ड इसराइल, यूनाइटेड अरब अमारात जो है इसने इसराइल को रिकग्नाइज किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखें।
ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स इन वन स्क्वेयर किलोमीटर, तो इसमें इतने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, इफ़ आर एस 1000 इज डिवाइडेड एमंगेस्ट रबाली एंड आमना इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3 रिप्रेजेंटेटिवली, हाउ मच विल रबाइल रिसीव। तो ये 2:3 है, मतलब एक का दो हिस्से एक का तीन हिस्से, सो ये दो इसके हिस्से हैं, 2 × 2 = 400 बन जाएगा और 2 × 3 = 600, टोटल 1000 है, तो इस तरह से 1000 बन जाएगा, तो इसका 400 हिस्सा आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, कायदे आजम रिजाइन फ्राम द कांग्रेस इन ईयर 1920 में, इसने रिज़ाइन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, डेश इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी, सुआ है ये फिजी का कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखें, शायद किसका शेरी मजमुआ है, जॉन इलिया इस करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखें, डॉक्टर फरीन फतेहपुरी के इस किस मशहूर तसनीफ़ का नाम मुकम्मल कीजिए, और वो शुरा की ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब नसर निगारी मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इस सवाल को चेक कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 को देखें, यह चार शुम्बा हफ्ते का कौन सा दिन होता है, ये बुध का दिन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 को देखें, वो ये जो शेर इसका दिया हुआ है, इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत आई है, इस्तिगारा आई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, गालिब का ये मशहूर मिसरिया मुकम्मल कीजिए, मौत से पहले आदमी निजात डैश निजात पाए क्यों, गम से, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, उर्दू नज़म के पहले शायर कौन हैं, नज़ीर अकबर आबादी साहब हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, कौन सा जुमला दुरुस्त है, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, बराए मेहरबानी कल ज़रूर आएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब हम जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है, उसको महू कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, बा बा होना मुहावरा है, इसका महू क्या है, बहुत खुश होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चैरिटी बिगिन एट होम के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए, अवल ये इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, एडमिन आरिफ किंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।